जिला भाजपा कार्यालय में गरीब कल्याण महाअभियान रिपोर्ट कार्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में मध्य प्रदेश सरकार के गरीब कल्याण महाअभियान रिपोर्ट कार्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और बीजेपी के जिला अध्यक्ष अवध राज बिलैया ने शासन की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी देते हुए गुणगान किया और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और बीजेपी के जिला अध्यक्ष अवध राज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की योजनाओं का गुणगान किए। काम किया लगभग 10 वर्षों तक और इनकी ही पार्टी के लोगों ने पिछले 53 वर्षों तक मध्य प्रदेश के अंदर शासन किया। इन 53 वर्षों में मध्य प्रदेश को जाने बीमारू राज्य के रूप में देश के सामने रख दिया था। 2003 में जब मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुकाल कुशासन से त्रस्त होकर एक बड़ा जनाधार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिया और 2003 से 2023 इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में गरीब कल्याण और जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से आज बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश उभरकर विकसित राज्य के रूप में पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिया कि वो 5 मीटर नहीं अब पुणे बनेंगे तो उसका 7 मीटर होगा। उसका परिणाम आप आंखें से देखो उधर बन रहा है बड़े बड़े चौड़ा रोड बन रहे हैं बड़े तो ये अद्वितीय काम हुआ है। कभी कभी हुआ था यार नहीं हुआ था यार कैसे रोड का मतलब और ये बता रहा था रोडों के इतने ही नहीं चैलेंज देता हूं कि डिंडोरी में 8 तारीख में आलवेदर रोड कोई रूप में क्षेत्र में आने वाला कोई हमारे जिले का कोई काम नहीं लगभग ब्लॉक निकाले गए जिस तरफ से जाइए जितने फुट लिया थे कि बरसात के में डूब ना सके ऐसा हमने करवा दिया। जिस तरफ निकल जाओ अगर कहीं किसी को शंका है तो पूछो कि कौन सा नहीं